अब आगे क्या होता है द नेक्स्ट पैराग्राफ इज वेन अमिताभ बच्चन केम लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्वार्म अराउंड हिम भारी संख्या में उसके आसपास घेर के खड़े हो गए झुंड के झुंड आ जाना वो कहलाता है स्वार्मिंग, बड़ी संख्या में आ जाना धक्का मुक्की होती रेलम पेल होती है उसमें तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एनफोर्सिंग बेनिफिट्स ऐसे फ़ायदे जो उन पर लादे जाते हैं फ़ायदा कौन नहीं लेना चाहता पर ऐसे फ़ायदे का मतलब नहीं जो मेरे जीवन में जिसकी मुझे आदत नहीं है यहाँ पे बाध्य किया जा रहा है अमीरों के द्वारा इन गरीबों को कुछ फ़ायदे तथाकथित फ़ायदे सो कॉल्ड बेनिफिट देवेर नॉट ऑफ बेनिफिट टू देम देर सो कॉल्ड बेनिफिट एक गांव वाले को गरीब व्यक्ति को मैं सोफ़ा वगैरह दे दूँ डाइनिंग टेबल दे दूँ तो उससे उसका फायदा है क्या नहीं है दो जून का खाने का पैसा नहीं है लेकिन मैं सोफा दे रहा हूँ डाइनिंग टेबल दे रहा हूँ इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं उनका फायदा सोच रहा हूँ शायद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये एक्स्ट्रा सोफा सेट पड़े हैं मेरे पास एक्स्ट्रा टेलीविजन पड़ा है डाइनिंग टेबल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है इसलिए आपको सौंप रहा हूँ और लाद दे रहा हूँ बाध्य कर रहा हूँ उसका उपयोग करो क्योंकि ऐसा कह के मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे अच्छी भलाई के लिए सोच रहा हूँ बट इज इट ट्रू नो क्या ये सच है कि गरीब लोगों के लिए अमीर वर्ग के लोग भलाई की बात करेंगे ऑथर फर्दर से दे आर ऑल कैलकुलेटेड ये सब बड़ा गुड़ा भाग किया हुआ है सब बड़ी सोच समझ के साथ किया जा रहा है ये सब जो हो रहा है ज़मीन का खरीदना उनको इकट्ठा करना भीड़ को शहर लाना शहर ला के उनको बसाना उनको ऊपर कुछ सुविधाएं लादना, इसके पीछे एक बड़ी सोच समझ है बड़ा गुणा भाग है बड़ी लंबी दौड़ का खेल खेल रहे हैं अमीर लोग दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स उनको टू सूद करना मतलब उनको मीठी मीठी बातें करना आउट ऑफ विट्स मतलब मूर्ख बनाना विट माने बुद्धि विट सेंस ऑफ ह्यूमर तो आई एम आउट ऑफ विट्स मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाया अचानक मैं हक बका गया हक्का बक्का हो गया उसे कहते हैं आउट ऑफ विट्स हो जाना टू टू दैम आउट ऑफ देयर विट्स ऐसा बाध्य करके ऐसी तथाकथित फायदे उनको देकर मैं मूर्ख बना रहा हूँ मीठी मीठी बातें करके उनको मूर्ख बना रहा हूँ मैं मतलब निर्धन लोग मूर्ख बनाते हैं ऐसी मीठी बातें करके ऐसी लोभ दे के ऐसी प्रवंचना दे के ऐसी चीजों को उन पर लाद कर जो उनके काम की नहीं वो इनको दे रहे हैं और दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं हम कितने दयावान हैं हम आपके लिए कितनी दया कर रहे हैं ये मीठी मीठी बातें करने की आदत अमीरों की होती है जो कंजूस होते हैं प्रकृति से इस प्रकार उनको मूर्ख बनाते हैं इन्हें लाभ देने के लिए बाध्य करते हैं और ये जो लाभ हैं ये बड़े योजनाबद्ध तरीके से बड़े प्लान्ड तरीके से इन ए वेरी प्लान्ड वे these benefits are thrust on them these benefits are forced on them and by doing that they make a fool out of these poor people they make a fool out of poor people in they teach these rich people the moneyed people. And by teaching them the last line of this paragraph, as I said, to soothe them out. Very soothing to hear. Your words are very soothing to my ears. The voice of Lata Mangeshkar is very soothing to the ears.

एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे इतना ही नहीं ये शहर के लोग इनको ये भी सिखाते हैं कि कैसे सोया जाए पुराने पलंग दे, दे देंगे बड़े बड़े उसमें बड़े बड़े मोटे गद्दे रहेंगे जिसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि अमीर वर्ग जो है वो यूज एंड थ्रो में विश्वास करता है दे यूज सर्टन थिंग्स फॉर फ्यू मंथ्स फॉर ए फ्यू ईयर एंड बिकॉज दीज आइटम्स आर स्टिल गुड इनफ दे गिव इट टू द पीपल सम पीपल एंड टेल दम कि देखो तुम्हारे फायदे के लिए हमने ये पलंग लाया है तुम्हारे फायदे के लिए हमने गद्दा दिया है जबकि वो सब पुराना है वो इनको बताते हैं कि कैसे सोया जाए ऐसे पलंग में सोए ऐसे गद्दों में सोए दे टेल देम हाउ टू स्लीप एंड दे स्लीप ऑल डे इनको बताते हैं कि कैसे सोना चाहिए और खुद दिन भर सोते हैं एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे एंशिएंट माने पुरानी वे माने तरीका पुरानी जो उनकी आदत थी वे मने रास्ता और वे मने आदत तरीका यहाँ पर तरीका आदत और उनको बताते हैं कि कैसे सो और खुद सोते रहते हैं दिन भर और इस प्रकार ऐसा करते हुए ये उनकी जो रात में सोने की आदत है उसे बिगाड़ देते हैं उनकी जो प्राचीन काल से पुराने समय से इस मजदूर वर्ग की जो दिन में कठिन मेहनत करता है जो दिन में परिश्रम करता है पसीना बहाता है रात में सुकून की नींद सोता है उसकी आदत को यहाँ शहर में ला के ऐशो आराम की सुविधा देकर इनकी उनकी आदत को बिगाड़ देते हैं उन्हें बताते हैं कैसा सोया जाए खुद सोए रहते हैं दिन भर और इनकी आदत को बिगाड़ देते हैं डिस्ट्रॉय तहस नहस कर देते हैं बिगाड़ देते हैं डिस्ट्रॉय करना मतलब बर्बाद कर देना गांव वालों की मज़दूर वर्ग की किसान वर्ग के लोगों को जिसको शहर लाते हैं उनकी आदत को बिगाड़ देते हैं कौन सी आदत रात में सोने की जो आदत सुकून की नींद सोने की जो आदत है उसको बिगाड़ देते हैं क्योंकि दिन भर काम कराते हैं हल्का फुल्का कुछ ना कुछ रात में भी काम कराते हैं कुछ ना कुछ खुद तो दिन भर सोते हैं ये लोग काम करते रहते हैं और काम किस तरह के इन अमीर वर्ग के लोगों की सेवा में लग जाते हैं क्यों लग जाते हैं क्योंकि अमीर वर्ग के लोगों ने रहने के लिए दे दिया है कुछ सुविधाएं लाद दी हैं थोड़ा बहुत पैसा भी दे रहे होंगे और ऐसा दिखा रहे होंगे कि हम बहुत दया कर रहे हैं एक आध छोटे मोटे स्कूल में बच्चों का प्रवेश भी करा दिया होगा और तथाकथित फ्री एजुकेशन भी दे रहे होंगे वैसे आज तो सभी देश में पूरे देश में आठवीं नौवीं तक मुफ्त शिक्षा है गांव वालों को नहीं मालूम वे सोचते हैं कि सेठ जी पढ़ा रहे हैं, सेठ जी मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। किताबें भी मुफ्त मिलती हैं आपको मालूम है तो गांव वालों को ये लोग बताते हैं कि सेठ जी ने हमें किताबें खरीद के दी हमारे बच्चों को दो चार यूनिफॉर्म के पुराने जोड़े लाके सेठ जी दे देते हैं तो ये जो सेठ जी लोगों का जो स्वार्थ है उस स्वार्थ को यहाँ पे पोएट ने बड़े शानदार तरीके से सामने रखा है और हमारी और आपकी आंखें खोलने की कोशिश की है ये कहने की कोशिश की है कि इन सेठ जी लोगों के बहकावे में मत आओ उनके फुसलाने में मत आओ दे आर वेरी डेंजरस दे डिस्ट्रॉय अवर स्लीप्स हमारी नींद बर्बाद कर देते हैं पुराने समय से जो हमारी आदत है दिन में कड़ी मेहनत करके रात में सोना सुकून की उसको बिगाड़ देते हैं एंशियंट यानी पुराना स्वयं सारे दिन रोते हैं और रात में उनके सोने के पुराने ढंग को नष्ट कर देते हैं दिस इज अबाउट दिस पैराग्राफ अब आप समझ गए हैं कि कितना भावुक होकर कवि इन लोगों के बारे में कह रहा है अपनी बात रखा कितना भावुक है हाउ क्लोजली ही फील बॉन्डेड विद दिस डाउन ट्रॉडन नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ और यहां पर कवि अब अपनी बात कह रहा है अभी तक जो भी बातें थी वो दुकानदारों की फीलिंग के रूप में थी गरीबों की फीलिंग के रूप में थी अब यहां पर कवि अपनी बात रखता है इस पैराग्राफ में और कह रहा है सम टाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर कई बार मुझे लगता है कि मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा टू बियर मने सहना हार्डली मतलब कतई आई कैन हार्डली यू मैं तुम्हें कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता आई कैन हार्डली क्लाइंब मैं कतई चढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरे घुटने में दर्द है तो so हार्डली मतलब कतई आई कैन हार्डली बियर बियर मन सहना बर्दाश्त करना कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ये सब बर्दाश्त कतई नहीं कर सकता कभी कह रहा है पोएट से आई नॉट बीअर, आई कैनॉट टॉलरेट द बिहेवियर ऑफ दिस वॉट कैन वॉट आई नॉट टॉलरेट वॉट आई नॉट नो आई नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ दिस जीज रिच पीपल सम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर the thought of so much childish longing in vain, childish longing in vain. What is the meaning of this? Childish क्या होता है एक शब्द होता है childish और एक शब्द होता है child-like. ये दोनों का अर्थ होता है बच्चों जैसा व्यवहार बच्चों चाइल्ड से बना है दोनों शब्द लेकिन चाइल्डिश व्यवहार बच्चों का वो व्यवहार जिसे अच्छा नहीं मानते मेरा व्यवहार बच्चों जैसा हो तो सामने वाला सोचता है बच्चों का अच्छा गुण या बच्चों के बुरे गुण रोना गाना चिल्लाना नखरे करना ये व्यवहार जो है वो चाइल्डिश व्यवहार है जो नेगेटिव होता है और जो बच्चों का अच्छा व्यवहार होता है जिसे बच्चों के साथ जोड़ा जाता है दैट इज़ कॉल्ड चाइल्ड लाइक बिहेवियर पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ चाइल्ड आर कॉल्ड चाइल्ड लाइक While the negative child uh, qualities of a child, like crying, like uh, you know, breaking things, like demanding unnecessary too much, shouting and what not, these negative qualities are called childish. And plus many more, they are all negative qualities. The poet says, the thought what I cannot bear, kya, what I cannot tolerate, main kya nahi sa sakta. ये सोच थॉट मने विचार सो मच चाइल्ड इश लॉन्गिंग इन वेन कि इनके लॉन्गिंग होना मतलब तीव्र इच्छा होना लॉन्गिंग मतलब तीव्र इच्छा आई एम लॉन्गिंग फॉर गोइंग टू अमेरिका अमेरिका जाने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है आई एम लॉन्गिंग फॉर माई पेरेंट्स आई एम लॉन्गिंग टू मीट माई पेरेंट्स मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है तीव्र इच्छा को कहते हैं लॉन्गिंग टू लॉन्ग मतलब तीव्र इच्छा होना एल ओ एन जी लॉन्ग मैंने लंबा भी होता है और लॉन्गिंग उसी से बना लॉन्ग बहुत लंबे समय से जो इच्छा हो जो तीव्रता हो वो कहलाएगा तीव्र इच्छा सो वॉट डू आई वॉट आई कैनॉट बियर आई कैनॉट बियर इडिया ऑफ दीस विलेजर्स वेयर दे लॉन्ग इन वेन इन वेन मतलब व्यर्थ इन वेन अर्थात व्यर्थ व्यर्थ में जो बच्चों जैसी आदतें इनमें जो है तीव्र इच्छाएं हैं बच्चा बड़ी तीव्र इच्छा रखता है कई चीजों की नहीं मेरे को यही मोटरसाइकिल चाहिए खिलौना मुझे गाड़ी की चाबी दो तो गाड़ी की चाबी के पीछे पड़ जाएगा मुझे यही मोबाइल खेलना है बस मोबाइल ही पकड़े रहेगा दीज आर ऑल हिज चाइल्डिश लॉन्गिंग दोएट्स सेज दैट एट आई नॉट बियर दिस चाइल्डिश हैबिट्स द विलेजर कि वो बिल्कुल पागल जैसे बच्चों जैसे वो उनमें कुछ तीव्र इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं इन वेन हैं बेकार हैं इन वेन मतलब बेकार ऑल माई एफर्ट्स हैव गॉन इन वेन मेरा सारा प्रयास बेकार हो गया यू आर स्पीकिंग टू योर बॉस ऑल दिस इन वेन तुम व्यर्थ में अपने बॉस को ये सब बातें कह रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा बॉस के तो इन वेन मतलब व्यर्थ में बेकार होना व्यर्थ हो जाना बेकार हो जाना

कहाँ टू लर्क मतलब थोड़ा सा निकल के झांकना उसे कहते हैं लर्किंग टू लर्क तो यहाँ पे कौन झांकता हुआ दिख रहा है द सैडनेस वो दुख जो वहां से झांकता हुआ दिख रहा है क्या दुख कभी झांकता हुआ दिखाई देगा नहीं कभी ने सैडनेस को एक व्यक्ति के स्थान पर यूज किया है द सैडनेस दैट लर्स नियर द ओपन विंडो देयर देयर मतलब कहाँ वो दुकान में जो दुकान की मैं बात किया हूं उस दुकान में जो एक खिड़की खुली हुई है वहां से जो झांक रहा है आदमी उसके उसमें जो दुख दिखाई दे रहा है आई कैनोट बियर आई कैनोट बियर द चाइल्ड क्रेविंग टू क्रेव मतलब तीव्र इच्छा होना लॉन्गिंग मतलब तीव्र इच्छा होना तो इन गांव वालों के मन में जो तीव्र इच्छा होती है शहर जाने की शहरी जीवन की पैसा कमाने की चाहे उसके लिए वो क्यों ना बेवकूफ़ बन जाए चाहे उसके लिए क्यों ना वो सेठ जी लोगों से बेवकूफ़ बनाते चले जाए मुझे इसके लिए बहुत दुख होता है बहुत दर्द होता है बहुत बुरा महसूस होता है और ये सब बेकार है सैडनेस दुख जो उस झुग्गी झोपड़ी से जो उस शेड से उस दुकान से जो दुख दिखाई दे रहा है एकांत दुकान एक दो लोग वहां पर ग्राहक की प्रतीक्षा करते हुए चेहरा उतरा हुआ मुरझाया हुआ हताश पैसा उनका उसमें लगा हुआ है सामान में और कोई ग्राहक नहीं आ रहा है कोई खरीद नहीं रहा है तो जो हताशा उनके चेहरे में झलक रही है उस खिड़की से उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अर्थात इन गरीबों के दुख को मैं नहीं सह पा रहा हूँ इनकी तकलीफें बड़ी ज़्यादा हैं आई फील फॉर इट मुझे बहुत खराब लगता है दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर द सैडनेस वो जो दुख है जो वहां से झांकता हुआ दिखाई दे रहा है जो प्रतीक्षा कर रहा है पूरे दिन प्रतीक्षा कर रहा है ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर बार बार विचारे बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कोई, कोई आए कोई आए कोई आए कोई आए कोई रुके कोई उनके वो करे वो जो दृश्य है वो मुझे बड़ा ना दुखदाई हो रहा है मेरे लिए असहनीय हो रहा है बड़ा दर्द है मेरे को For that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes अब देखिए ये शब्द of breaks, the sound of a stopping car वो लोग दिन भर प्रार्थना करते हैं दिन भर प्रतीक्षा कर रहे हैं चेहरा मुरझाया हुआ है खिड़की से झांक रहे हैं कोई आया कोई आया और झांकते हुए वो देख रहे हैं कि कोई सी गाड़ी रुकी उसकी आवाज़ आती है कहे की आवाज़ स्क्वील ऑफ ब्रेक्स स्क्वील मतलब आ, ब्रेक लगाने की जो एक आवाज़ होती है ना तेजी से गाड़ी आ रही है और उसने ब्रेक लगाया तो उसकी आवाज़ जो आती है उसे कहते हैं स्क्वील स्क्वील ऑफ ब्रेक्स ब्रेक की स्पेलिंग यहाँ देखेंगे ब्रेक्स मतलब कार का ब्रेक और इसकी स्पेलिंग बी आर ई ए के नहीं है बी आर ई ए के माने तोड़ना स्क्वील मतलब साउंड जो किस तरह की आवाज़ आप समझ सकते हैं गाड़ी के चह वाली जो आवाज़ होती है तेज़ी से चलती हुई गाड़ी जब ब्रेक लगाती है तो जो आवाज़ आती है उसे स्क्वील कहेंगे स्क्वी फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार एक रुकती हुई गाड़ी का ब्रेक लगाने का जो आवाज़ आती है ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार वो भी एक आध गाड़ी की आती है हजारों गाड़िया सेल्फिश कार कभी सेल्फिश होती है सेल्फिश कार मतलब सेल्फिश यानी स्वार्थी मीन यू आर वेरी सेल्फिश तुम बड़े स्वार्थी हो यार अपनी ही सोचते हो अपना ही फायदा देखते हो सेल्फ उससे बना सेल्फिश स्व की ही चिंता करने वाला द वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फिश

ऑफ ऑल थाउजेंड हजारों कारें आ जा रही हैं उसमें से एक आध गाड़ी कोई सी रुकती है उसका ब्रेक लगता है आवाज आती है और कार रुकती है जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर और वो रुकती है और वो ये पूछ वो आ, उसमें एक आध गाड़ी ये पूछती है कि सामान की क्या कीमत है वाट ए फार्मर प्राइसेस आर कि भैया सामान की कीमत क्या है ले दे के एक गाड़ी रुकी हजारों गाड़ियों में दिन भर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तनाव है चिंता है कोई कमाई नहीं हुई है पैसा अलग लगा हुआ है और वाइल्ड बेरी और ये जो फल मैंने लगाए हैं रखे हैं वो भी पुराने हो जाएंगे और कीमत कम हो जाएगी जितने मैं ख़रीदा है उतना पैसा भी शायद ना मिल पाए तो ये सब चिंताएं गरीबों के मन में हैं और इसका मतलब ये कवि यह कहना चाह रहा है कि गरीबों की कितनी सारी चिंताएं हैं और इन चिंताओं में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जैसे कि गाड़ी रुकी और रुकी बड़ी मुश्किल से और वो पूछती है कि कीमत क्या है वॉट आर द प्राइसेस आर एंड वन डिड स्टॉप एक रुकी भी बट ओनली टू प्लो अप ग्रास गाड़ी एक रुकी भी अब कभी कहता है कि वो तो बेचारा प्रतीक्षा कर रहा है निर्धन कि कब कोई आए कब कोई रुके अर्थात सिंबोलिज्म है प्रतीक है गरीब लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब उनके उनका भला करने वाले लोग आए लेकिन वो भीख नहीं मांग रहा है वो मजदूरी कर रहा है मेहनत कर रहा है उसे उसकी मेहनत में की कीमत मिले उसकी वो प्रतीक्षा कर रहा है और जो हजारों कार्य जिसमें स्वार्थी लोग हैं दुनिया में जो हजारों स्वार्थी लोग हैं वो सब आए चले गए कोई हो सकता है एक आध पूछ भी ले कि ये सामान की कीमत क्या है या एक आध पूछ भी ले कि तुम अपनी मजदूरी कितनी लोगे काम की कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आध रुक भी जाता है एक रुका भी एंड वन डिड स्टॉप डिड स्टॉप मतलब क्या होता है जोर देके कहना कि हाँ एक रुका भी स्टॉप्ड नहीं बोले एंड वन स्टॉप्ड ऐसा नहीं कहा है कभी ने कभी ने कहा है वन डिड स्टॉप आई डिड गो मतलब मैं गया था भाई नो यू डिड नॉट गो आई डिड गो इसको ऐसा भी कह सकते हैं आई वेंट वेंट के बदले आई डिड गो ज़्यादा जोर से ज़्यादा एसर्टिव है आई डिड ईट मम्मा डोंट डाउट मम्मा मैंने खाया है शंका मत करो जब ऐसा कहना होता है तो हम कहते हैं आई डिड ईट आई डिड गो आई डिड स्लीप आई डिड टेक बात आई डिड ब्रश मैंने ब्रश किया है मम्मी पूछती ना सुबह बच्चों को ब्रश किया कि नहीं किया, किया है नो मम्मा आई ब्रश्ड मम्मा फिर बोल रही हैं देन आई से आई डिड ब्रश जब जोर देके बोल रहा हूँ तो ऐसा बोला जाता है तो यहाँ ऑथर जोर देके कह रहा है एंड वन डिड स्टॉप और एक रुका भी बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास लेकिन वो घास के ऊपर गाड़ी चला रहा गाड़ी को रिवर्स किया आगे पीछे किया तो इसमें घास को उखाड़ दिया उसने टू प्लाउ अप ग्रास प्लाउ करना मतलब हल चलाना खोद के निकालना तो वो जो गाड़ी का जो टायर था उसके घिसने से घास निकल आई इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड यार्ड मतलब वो जगह जो है उसमें गाड़ी को आगे पीछे करने के चक्कर में उस आदमी ने वहां की घास ही उखाड़ दी ले दे के गाड़ी रुकी थी कुछ नहीं किया उसने बस गाड़ी को आगे पीछे किया बैक एंड टर्न अराउंड और मुड़ा और उतने में उसने घास उखाड़ के चलता बना एक और रुका था एंड अनदर वन ऑल्सो स्टॉप्ड टू आज द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड किसलिए रुका था ये पूछने के लिए कि भैया ये रास्ता कहाँ जाता है ये रास्ता कहाँ जाता है ये पूछने के लिए एक रुका दूसरा रुका बड़ी स्क्रीचिंग साउंड से गाड़ी को रोका गाड़ी आगे पीछे किया कुछ घास को भी उखाड़ दिया उसके टायर ने और चलता बना कल्पना करिए उस दुकान में इतना पैसा लगा के दिन भर की मेहनत आदमी वहाँ कर रहा है खड़ा है ग्राहक की प्रतीक्षा कर रहा है हजारों गाड़ियाँ आई गई कोई रुक नहीं रहा है सब चमचमाती कारों में सेठ जी लोग हैं अमीर लोग हैं किसी को फुर्सत नहीं कि वो दुकान की ओर झांके, दुकान की ओर देखे सब अपने मस चले जा रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर कितना दुख हो रहा होगा इन लोगों को कितनी तकलीफ होगी कितनी चिंता होगी कुंठा होगी और वहां पर एक रुकता है तो वो गाड़ी को ऐसा घुमा के निकल जाता है घास उखाड़ देता है दूसरा रुकता है तो पूछता है कि जनाब बताएंगे ये रास्ता कहाँ जाता है एंड अनदर टू आस द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड एंड अनदर टू आस कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस अब एक तो हाइट हो गई जिसे हिंदी में कहते हैं आप लोग एक हाइट अरे बड़ी अति हो गई भाई एक और गाड़ी आई उसने पूछा कि क्या एक गैलन गैस मिलेगी विदेश में अमेरिका में पेट्रोल से कार कम चलती है गैस से ज़्यादा चलती है और गैस का जो बेचने का यूनिट है जैसे पेट्रोल का यूनिट लीटर है लाइक पेट्रोल इज सोल्ड इन लीटर गैस इज सोल्ड इन गैलेंस गैलन मैने क्वांटिटी ऑफ गैस टेन गैलन मींस दैट मच क्वांटिटी ऑफ गैस सो वन कार आल्सो स्टॉप वन मोर कार एंड यू नो व्हाट ही स्टॉप फॉर टू आस दिस पुअर मैन to ask this very poor man, do you have gas? Can you sell me gas? Probably his car will be finished. And now he is asking this poor man, can you sell me the gas? Can you please get me one gallon of gas? Imagine what a taunt. ये सब चिंता के बाद यदि कोई ऐसी बातें करे तो ऐसा लगता है मानो किसी ने मुझे तमाचा मारा हो As if somebody has slapped me. I am already in a very bad shape. I means poor. Poor people are already in bad shape. Somebody taunting them, somebody treating them very badly, somebody just shoving them, somebody just neglecting them, somebody just avoiding them. Do you, can you imagine how much insulting it may be for those human beings? Even if they are poor, they are after all human beings. लेकिन फिर भी आदमी तो हैं, उनके अंदर भी फीलिंग है इन अदर वर्ड प्रॉबेबली पोएट इज ट्राइंग टू से प्लीज डोंट डू ऑल दीज थिंग्स विथ पुअर पीपल प्लीज डोंट बिहेव दिस वे विथ पुअर पीपल डोंट नेग्लेक्ट देम डोंट लाफ एट देम डोंट शो मर्सी ऑन देम उन पर दया मत दिखाओ शो एम्पैथी ऑन देम डोंट कट जोक्स ऑन देम उनपे मजाक मत करो उनको अनदेखा मत करो उनकी दिक्कत को महसूस करो दैट इज़ वॉट द ऑथर इस टाइम टू से यहाँ पे एक आदमी आके मजाक कर गया कि क्या तुम्हारे पास एक गैलन गैस है उसके पास तो बेचारे के पास बहुत कम पैसा है यहाँ गैलन गैस की बात कर रहा है हाउ गुड दिस रिच मैन थिंक दैट वॉज ही well-read not well-read person that he could not make out that this small shop may not have anything of gallon gas or a gallon gas is a hai, so these people get further annoyed can't you see that uh, we have come from poor people they couldn't uh, when these people ask do you have a gas do you have gas a gallon of gas दिज पीपुल रिप्लाई दे डोंट दे कांट हमारे पास हो भी नहीं सकता एंड देन ब्रैकेट अगेन दिस क्रॉसिली मैंने पहले भी बताया क्रॉसिली मतलब गुस्से में क्रोध में तीव्र क्रोध में वो अंदर ही अंदर बोल रहे हैं मैं हमारे पास नहीं है क्या तुमको दिखाई नहीं देता दे हैड नन नन मतलब बिल्कुल नहीं होना नो no वन का शॉर्ट बना नन और नन मतलब बिल्कुल नहीं They had none, उनके पास एक गैलन की बात मत करो कुछ भी नहीं है गैस के नाम से। सेल्फ क्या तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा उन्होंने कहा नहीं पर अंदर ही अंदर अपनी भड़ास निकाल रहे पुअर पीपल डोंट स्पीक मच कीप ईटिंग देयर फीलिंग खुद ही फील करते हैं और खुद ही उसको जज्ब करते हैं चबा जाते हैं सच इज द वर्ल्ड दुनिया ऐसी ही है दो खेमे में बटी हुई अमीर और गरीब जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ नहीं है ये कविता जो है उसी की दास्तान है सो नाउ वी कम टू ऑलमोस्ट एंड ऑफ द पोयम नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन क्वेंट यू सी दैट वी हैव नन नो गैस एंड देन द फर्दर से नहीं है हमारे पास कंट्री मनी क्या होता है वॉट इज द मीनिंग इज कंट्री हेयर याद रखेंगे कंट्री का एक अर्थ है देश और कंट्री का एक और अर्थ होता है गांव कंट्री मनी गांव कंट्री साइड मतलब गांव आई लिव इन ए कंट्री साइड मतलब मैं गाँव में रहता हूँ तो पोएट ने यहाँ पर कंट्री साइड का साइड शब्द हटा दिया और कंट्री वर्ड को यूज किया है इसका गाँव है द पोएट है वर्ड कंट्री हियर फॉर विलेज नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन हमारे पास कोई पैसा नहीं है द कंट्री स्केल ऑफ गेन मतलब कुछ भी नहीं द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट ज नेवर बीन फाउंड कंट्री गेन मतलब क्या होता है गेन मैने फायदा प्रॉफिट जो चीज पाई उनके पास कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है उनको गांव का पैसा कुछ भी मिल नहीं रहा है. कुछ फायदा भी नहीं हो रहा है. और तो और द पोएट से द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट रिक्विजिट मतलब उचित पर्याप्त लिफ्ट मतलब उठना आप देखते हैं ना बड़े बड़े भवनों में लिफ्ट होता है उठाना पर्याप्त स्पिरिट स्पिरिट मतलब क्या उत्साह यहां पर स्पिरिट का अर्थ है उत्साह है नेवर बीन फाउंड इन गांव वालों में इन निर्धनों में इन वंचित लोगों में पर्याप्त उत्साह भी नहीं पाया जाता बिल्कुल नहीं मिलता कोई उत्साह नहीं है बड़े ये डल हो जाते हैं गांव वाले नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट है सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन या वॉइस ऑफ कंट्री गांव के लोग शायद ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन ऐसा महसूस होता है कि गांव वाले निर्धन लोग शिकायत कर रहे हैं लगातार चिल्ला रहे हैं, लगातार अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं अपना दर्द पहुंचा रहे हैं अपनी तकलीफें बताना चाह रहे हैं रिक्विजिट मतलब उचित जरूरत जितनी जरूरत है आई डोंट the रिक्विजिट अमाउंट ऑफ मनी with मी मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है जरूरत के लायक पैसा नहीं है लिफ्ट मैंने बताया जो ऊपर है, उमंग दे उत्साह बढ़ाए कभी नहीं देखा गया नेवर बीन फाउंड और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन जो गांव के लोगों की आवाज शायद यही शिकायत कर रही है कि उनको कोई उत्साहित करने वाला नहीं है उनको कोई ऊपर बढ़ाने वाला नहीं है उनको कोई आ, हाथ देने वाला नहीं है आई कांट हेल्प

आई ओन दिस कार ये कार मेरी है ओ डब्ल्यू एन ओन उसी से बना ओनर मालिक आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस आई एम द ओनर ऑफ दिस मोबाइल इस मोबाइल का मालिक मैं हूं सो पोट इज नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैजर बीन फाउंड अब कभी बड़ा निराश हो रहा है यहाँ पे मैंने कभी नहीं देखा कि ये लोग उत्साहित हों कभी दिखाई नहीं दिया कभी महसूस नहीं हुआ कि ये लोग उत्साहित हों या ऐसा उनके कम से कम आवाज से लगता है वॉइस आवाज ऐसा कम से कम मुझे महसूस होता है इनको देख कर कि ये लोग उत्साहित नहीं हैं, उसके आगे कभी कैसा आई कॉन्ट हेल्प ओनिंग ग्रेट रिलीफ उट वुड बी मैं समझता हूँ रिलीफ कितनी जो राहत कितनी बड़ी राहत मिलेगी इनको मैं नहीं जान पा रहा हूँ आई कांट हेल्प